नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। मेरे पीछे आप एक पुतला देख रहे होंगे। भाजपा के जो यहां पर जो झंडे हैं उनको लगा लगा करके पुतला बना दिया गया है। पुतला क्यों बनाया गया है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कल भाजपा की जो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी की गई थी भाजपा के द्वारा, पहली लिस्ट जारी हुई और उसके बाद कहीं ना कहीं जो पुराने कार्यकर्ता थे उनके बीच में थोड़ा सा रोष दिखाई दिया, और उस रोष के बाद काफ़ी सारे जो एक के बाद एक पूरे हरियाणा भर से हमने इस्तीफे भी देखे। आपने देखा होगा कल तमाम चैनलों के माध्यम से, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से वो इस्तीफे हर जगह दिखाई दे रहे थे। अभी हम चरखी दादरी के बाड़ा हलके में मौजूद हैं और बाड़ा हलके से अगर हम यहाँ पर बात करें तो भाजपा का एक बड़ा नाम सामने आता है, सुखविंदर मांडी। बाड़ा से पूर्व विधायक भी रहे हैं और अगर अभी की मैं बात करूँ तो हाल फिलहाल भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वो थे, उनकी टिकट कहीं ना कहीं कटी। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे तो उसके बाद किसान मोर्चा के जो तमाम साथी यहाँ पर दिख रहे हैं ये एकत्रित हो गए और इन्हीं साथियों के द्वारा यहाँ पर अब भाजपा का पुतला बना करके तैयार कर दिया गया है। तो क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है, तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे। हालांकि यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जब टिकट नहीं आई है तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो तमाम जो ये किसान मोर्चा के साथी थे ये कहीं ना कहीं रोषजदा हैं, पार्टी से, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो उनके हाईकमान हैं उनसे कहीं ना कहीं इनकी नाराज़गी है। तो उसी के बारे में अब यहाँ पर बात करेंगे। तो मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, ये जो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये किसान मोर्चा में जो लोग सम्मिलित थे वो लोग हैं, साथ ही साथ सुखविंदर मांडी जी के साथ में जो लोग खड़े रहते थे उनके हर कंधे से कंधा मिला करके, ये वो लोग हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे मंगल भाई। अचानक से एकदम से इतना बड़ा कदम, क्योंकि इतने समय से सुखविंदर भाई जो थे वो पार्टी के साथ चल रहे थे, किसान मोर्चा में बड़ी जिम्मेदारी थी, प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बावजूद टिकट नहीं मिली, क्या कारण मान क्या था? सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को राम राम जी। 2006 के अंदर जब विधायक जी ने अपना राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी तो 2006 के अंदर सक्रिय सदस्यता के रूप में भाजपा हमने ज्वाइन की थी विधायक जी के साथ। उसके बाद यहाँ से विधायक भी रहे 2014 से 2019, फिर दो बार किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और हमने जब भाजपा पार्टी ज्वाइन की थी तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों की पार्टी थी जी। आज वो भाजपा नहीं रही, यहाँ पे गद्दारों को तवज्जो दी जा रही है। टिकट ना मिलने पर ही पार्टी नहीं रही वो विचारधारा। मैंने एक चीज और कहा है साहब आपको कि यहाँ अब गद्दारों को तवज्जो दी जा रही है। आज यहाँ पे किसी को टिकट दिया गया है वो दादरी है, बारडा है, आप एक बार उठा के देखिए, तीन तीन पार्टियां उन लोगों ने ज्वाइन की हैं। 2019 में भी इन्होंने भाजपा को ज्वाइन करके छोड़ दिया, तो हम तो वो लोग नहीं है ना, हमने पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की है। तो हमेशा अपने आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी के अंग थे, क्योंकि 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में जहां अब उमेद पातुवास को यहां से टिकट मिली है तो उन्होंने तो ज्वाइन कर ली थी पार्टी, नहीं उसके बाद छोड़ भी दी थी। कब मदद की? वो कुछ समय के लिए बीच में शायद नाराजगी कुछ चल रही थी और अभी भी भाजपा में ही वो तो साहब। फिर अपना दूसरी पार्टी भी नहीं की थी कि क्यों नहीं, उसके बाद भी उन्होंने जेजेपी ज्वाइन की थी, यहाँ पे बारडा के अंदर बहुत बड़ी रैली भी करी थी। उसने तो अपने कुल देवता की कसम खा के ये कहा था मैं कभी इसको छोड़ूंगा नहीं, कभी राजनीतिक नहीं करूंगा, ऐसे लोगों के साथ काम हम कभी कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो मतलब जो पुराने जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, अब उनकी अनदेखी करना भाजपा ने शुरू कर दिया है। हाँ, ये सच्चाई है कि भाजपा के जो बड़े नेता थे, आप अकेले बारडा में क्यों, चाहे हरियाणा की बात उठा के देख लो, साथ साथ बबड़े नेताओं ने रिजाइन किया है, 9 जिला अध्यक्षों ने भी किया है, बहुत सारे साथी, तो सभी के साथ ही ये जो नाइंसाफी हुई है इसके विरुद्ध हमने ये आवाज उठाई है और इसके उपलक्ष में आज हम भाजपा का पुतला भी जलाएंगे और हाईकमान को ये भी दिखाएंगे। अच्छा, ये जो पुतला बनाया है इसीलिए बनाया कि इसको आप फूकने वाले हो? जी जी बिल्कुल, आज भाजपा पार्टी से बिल्कुल नाता तोड़ेंगे
कोई इसमें झक नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने गद्दारी की है, जिन लोगों ने पार्टी को टाइम दिया है ना उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया, धोखे में रखा है। चलिए, अभी सुखविंदर जी तो आपके बीच में पहुंचे भी नहीं है, उससे पहले ही आप लोग ये फैसला क्यों ले रहे हैं? ये हमने सभी पार्टी पदाधिकारियों ने लिया है, यहाँ पे शायद विधायक जी तो आएंगे नहीं, क्योंकि हमने किसी ने साथियों ने बुलाया तो नहीं, पहले तो हम जो पार्टी के पदाधिकारी यहाँ इकट्ठे हुए ये हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, न कि विधायक जी की। आपके पास कौन सा पद था? मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष हूँ, बरडा से। मंडल अध्यक्ष जी जी, तो मंडल अध्यक्ष तो बड़ी जिम्मेदारी मेरे ख्याल से मंडल स्तर पर है, और आपके साथ में बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़े होंगे, लगभग आज क्या मान के चले कि कितने कार्यकर्ता जो है भाजपा छोड़ देंगे? आज लगभग 80% साथी जिनके अभी साइन भी हो रहे हैं और वो हाजिरी भी है, हम आपको वो भी देंगे, तो 80% साथियों ने आज भाजपा छोड़ने। लगभग कोई आइडिया, कोई संख्या, कोई कितनी हो, संख्या बल में कितना? संख्या बल में लगभग ये विधानसभा के अंदर 500 लोग है, लगभग 700 की पूरी कार्यकारिणी होती है, हाँ तो लगभग 500 लोग यहाँ आए हुए जी, 500 लोग छोड़ देंगे जी। पदाधिकारी की बात हो रही है, और यहाँ पर एक बार दिखा दो जी, जहाँ पहले भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाए जाते थे, अब उसी जगह पर अब बीजेपी मुर्दाबाद के यहाँ पर पोस्टर टंग गए हैं जी, और साथ में सुखविंदर मांडी जी के समर्थन में उनके साथ में लिख भी दिया गया है कि मैं भी सुखविंदर। तो भाई साहब, ये मैं भी चौकीदार वाला तो ये नारा तो आप उसी तर्ज पे ये चल रहे हो अभी भी? नहीं, हम सुखविंदर के साथ ही 2006 में हमें जोड़ा तो सुखविंदर जी ने ही था ना जी, और उन्हीं के साथ लग के हमने काम किया था, तो इसमें तो क्या दोहराया है जी, जहाँ सुखविंदर वहाँ जी, जहाँ सुखविंदर वहाँ जो तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं वो। बलराम जी क्या कहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार जी, ये क्या अकेला टिकट है मामला, या फिर जो अनदेखी है वो मामला है, या कहीं सत्ता का लोभ कहीं दिखाई दे रहा है? जी जी, सबसे पहले तो ये मामला ये है, अकेला टिकट का मामला नहीं, ये संगठन के जो पदाधिकारी है जो इकट्ठे हुए इस्तीफा दे रहे हैं। मैं भी किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष हूँ, पहले राष्ट्रीय प्रदेश का कार्यालय में रहा हूँ जी। खुद सुखविंदर बोलता है कि मुझे अगर पार्टी नहीं चाहती तो टिकट किसी भी कार्यकर्ता को दे देगी, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे कुछ भी हो, पार्टी का संगठन का कार्यकर्ता हो, उसको पार्टी टिकट दे दे, हम उससे कतई बिल्कुल नाराज नहीं है। आज जितना बड़ा संगठन है बाड़ा का, बीजेपी का जो संगठन है वो हमने ला के इतना बड़ा संगठन तैयार किया है, बूथ प्रमुख तक हमने तैयार किए हैं, ऊपर मंडल अध्यक्ष से लेके पन्ना प्रमुख तक भी हमने सब तैयार किए हैं। जो बीजेपी सरकारी जो प्रोग्राम होते हैं, खुद बीजेपी पार्टी के 6 प्रोग्राम होते हैं साल में, उससे अलग 20-30 साल में प्रोग्राम होते हैं, उनमें दरी तो बिछाते हैं संगठन के लोग। वो जब चुनाव का टाइम आता है तो वैसे आदमी वो बाहर से कैंडिडेट को लाके, चाहे वो पैसे में सौदा होता हो, चाहे कैसे भी होता हो, अप्रोच लगा के और उतार देते हैं। संगठन वाले कहाँ जाएं, वो न तो संगठन वालों को जानता, उन्हें संगठन उस आदमी को अच्छी प्रकार से जानते हैं, न अच्छी प्रकार से उसको जानते। तो संगठन में इसी बात का रोष है। खुद सुखविंदर जी ऊपर बोल के आया है, राष्ट्रीय जो चुनाव समिति है उसमें भी बोल के आया है, प्रदेश की जो चुनाव समिति है उसमें भी बोल के आया है, मुझे अगर पार्टी किसी प्रकार से रिप्लेस करे, टिकट ना देना चाहे, पार्टी संगठन में रखना चाहे, तो संगठन में किसी को भी टिकट दे दीजिए, मैं उसके साथ कंधे कंधा मिलाकर साथ खड़ा रहूँगा। ठीक है, तो अनदेखी तो अकेली यहाँ नहीं हुई है, काफ़ी पूरा हरियाणा भर से हम देख रहे हैं कि इस्तीफों की बाढ़ आ गई है, और मेरे ख्याल से यहाँ तो मेरे ख्याल से पूरा बाढ़ नहीं, पूरा मेरे ख्याल जलजला आ गया है जी। देखो जी, ऐसा है, किसान मोर्चा के जो भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो मैं लगभग प्रदेश में जितना बड़ा संगठन भाई साहब ने तैयार किया है, तो आमतौर पर मेरा उसके साथ हरियाणा में जितने जिले हैं, गांव में जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ मेरा आना जाना साथ रहता है। ठीक है, तो जो हरियाणा के जो जितने जिले के पदाधिकारी हैं उनके साथ मेरी भी उनसे जान पहचान है, तो मेरा तो ये मानना है पूरे हरियाणा के अंदर भी जो जितने पदाधिकारी थे किसान मोर्चा के, वो भी आज 80% लगभग तन मन धन से भाई साहब फोन कर रहे हैं, वो भी इस्तीफा देने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब क्या माने, क्या भाजपा जो है वो पहले वाली पार्टी नहीं रही जो कहती थी कि भैया हम तो अपने लोगों के लिए लड़ मरते हैं, क्या वो नहीं रही अब? जी देखो, भाजपा पहले वाली थी, किसी भी पुराने कार्यकर्ता को उठा के टिकट भी दी, और कार्यकर्ता जीत के भैया पूरे भारत में चुनाव हुए हैं काफी के, तो उदाहरण में जो साइकिल पे था एक बच्चों की और भी था जिसको टिकट दे दी। लेकिन अब क्या हुआ, अब बाहरी कैंडिडेट यानी पूरे हरियाणा में करीब 30 सीटों ऐसी है जहाँ पे बगावत, नए कैंडिडेट आए अभी जेजेपी से लिए गए हैं, 5 साल तो यहाँ जेजेपी से
खिलाफत करवा दी, अब जेजेपी से कल ज्वाइन करवा दी, उनको टिकट दे दिया, तो हम इस बात से नाराज हैं। अब कल को सुखविंदर जी किसी दूसरी पार्टी में चले जाएंगे और वहाँ अगर उन्हें टिकट मिल जाती है तो क्या कहोगे आप? देखो जी, वो आगे का फैसला है जी, यहाँ दादाताओं का अपने टाइम पे, तो वो आगे का फैसला है और किसी दूसरे के टाइम पे आप लोगों ने हल्ला मचा दिया। हम किसी दूसरे के लिए, हम पार्टी का विरोध कर रहे हैं, पार्टी का विरोध इसलिए कर रहे हैं, संगठन से बाहर के आदमी को टिकट दिए इसलिए कर रहे हैं। मैं तो यही तो पूछ रहा हूँ ना, कल को सुखविंदर जी भी किसी न किसी पार्टी में जाएंगे तो क्या करेंगे? देखो, और वहाँ से टिकट मिल गई तो वहाँ के लोग भी अल्लाह मचाएंगे, ये तो मतलब वहाँ पे तो फिर मांगना नहीं चाहिए। बैसा देखो सुनो, बाड़ा मेरा मानना है जो बीजेपी है वही सुखविंदर बीजेपी है, क्योंकि इतना बड़ा संगठन जो तैयार किया है वो सारा सुखविंदर ने तैयार किया है। तो अगर भाई साहब खाता पार्टी अनदेखी करती है तो वो साथी कहाँ जाएंगे, वो क्या आस रखेंगे? जब आज इतना पिक पे है, दो बार का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका और उसको इस एंड मौके पे किसी भारी कैंडिडेट को लाके टिकट काट दिया गया, तो जो मीडियम कार्यकर्ता है वो पार्टी क्या आस रखेगा? जहाँ सुखविंदर होगा वहाँ जाएगा और सुखविंदर का ये बोलना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, दो दिन पहले मैं भी यहाँ पर बाड़ा में आया था, एक सर्वे करके गया था, काफ़ी सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं नाम जो है उमेश जी का ज़्यादा दिखाई दे रहा था, सुखविंदर जी के लिए भी काफ़ी लोग बोल रहे थे। आपको क्या लगता है, जो पार्टी ने जो सर्वे करवाया होगा वहाँ पर सुखविंदर जी का नाम कहाँ पर होगा? देखो जी, हम खुद नायब सैनी मुख्यमंत्री से मिलकर आए हैं, चार दिन पहले कार्यकर्ता बाकायदा बीजेपी का जो कार्यालय चंद्र वहाँ मिले हैं, खुद वहाँ नायब सैनी जी हमें बोलने वाले, हमने हमारा परिचय दिया, बताया सर्वे में बिल्कुल सुखविंदर ऊपर है, सर्वे रिपोर्ट भी अच्छी है और सुखविंदर को भी टिकट मिलेगी, आपको भटकने, आप सीधा घर जाओ, अपना काम करो, बाहर जाओ। तो सर्वे में कौन बोल रहा है? सर्वे में सुखविंदर नीचे था, ये तो मुझे रिपोर्ट नहीं मिली नहीं। चलिए, कुछ लोगों से और बात करते हैं, दो महिलाएं यहाँ पर हैं हमारे साथ में, जरा इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या लग रहा है, क्या हो गया ये सब? हमने ये लग रहा है जी, जो पुराने कार्यकर्ता थे हमारे, उसमें जो भाई कल आया है मान लो आप, उसने आप टिकट दे दे है बीजेपी, और जो मर पुरा रहा, हमने ये नहीं भाई सुखविंदर जी को मिला, हमारा पुराना कार्यकर्ता बहुत है जिसने जिताऊ कैंडिडेट, हाँ तो उनको भी टिकट मिलनी चाहिए, हम 20-20 साल से काम कर रहे हैं पार्टी में, तो उन लोगों को नहीं मिल रही, एक अलग से आ जा है उसको टिकट मिल जा है, और हम तो ये चाह, हाँ जी, जो हमारा जो बारडा ब्लॉक है इसमें हमारा एकता सुखविंदर मैंडे की तरफ ही है जी। जी चलिए, लगता है जो सभी लोग जाएंगे साथ में, सभी साथ में जाएंगे। महिलाएं कितनी रहेंगी? महिला मोर्चा की तरफ से भी कुछ लोग साथ में जा रहे हैं? साथ में जा रहे हैं। यहाँ पर बुजुर्गवार भी हैं जी, कि क्या लगता है जी, क्या हुआ? बुजुर्ग क्या है, मेरी उम्र 65 साल हो चुकी है जी, हमने तो सिर्फ परिवार नहीं छोटा है, चाहे इनका दादा हो, पोता हो, परदाता हो, हमने पार्टी से कोई मतलब नहीं है, सुखविंदर मैंडी से मतलब है। अच्छा जी, ये बताओ, इसने 10 साल काम करते हो लिया है? अच्छा, न्यू तो जो घर में क्या अब ज्यादा हो गए, अब तो 20 साल से तो ऊपर हो गए। नहीं नहीं, 10 साल तो बीजेपी में हो लिया अगले ने, 5 साल तो राज रहा और 5 साल आगे रहा, हर आदमी से, मजदूर से, किसानों से, भाईचारे से, कर्मचारी से मिला है, सबसे मेलजोल है, काम करवाए है, कोई आदमी आग निकालनी करने वाला नहीं है। आज के दिन अतर सिंह परिवार की तरफ आग भैये ऐसा हमारा यो ले लिया, यो न्यू नहीं करवाया जी। आपको मालूम है इसने कई बार पार्टी छोड़ ली, कई बार बदल ली जी, कितनी पार्टी बदल ली, कितनी छोड़ ली जी इसने, उम्मीद पातुवास ने, और आज इसने ये मतलब कर ली बाहर डाल के, मैं मतलब मानस जनता मर जाओ, उतना बड़ा दुख है, हम सुखविंदर के साथ है। अच्छा, अब आप क्या मानोगे? शुरू चांद रहेगा, चौधरी अतर सिंह आपका नाम रहेगा जी, बिल्कुल। आप क्या मान के चलते हो? वहाँ जो आपका रखा है, भाई सुखविंदर आगे बढ़ो। देखिए, काफी जोश है लोगों में और साथ ही गांव में तवा नहीं चढ़ा है। हाईकमान क्या सोच के कर रहा है? हाईकमान क्या सोचती है जी? पार्टी खत्म करना चाहता है हाईकमान ने, तो भाई साहब के सोचा और के ना सोचा से वो तो भगवान जाने, इतने पुराने पुराने आदमियों ने पीछे से खेल रही है, खड़ी भी की है जी आ रहा है। और मैं वादा करता हूँ, अगर पत्तुवास का जो निर्दलीय लगा वोट आ जाने तो भाई साहब आपकी जूती में महाराज सर बांध डाल कर
टिकट बिक गई क्या? आप ये बोल रहे हो कि हाई कमांड क्या सोच रही है? हाई कमांड ने जिस दिन माननीय सुखविंदर मैंडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया किसान मोर्चा का, किसानों का भी कितना विरोध होने के बावजूद उन्होंने हरियाणा के अंदर हर जिले के अंदर किसान मोर्चा का जो जिला अध्यक्ष है उसको खड़ा किया, उसका जिस टाइम इन्होंने किसान मोर्चा का पदाधिकारी जो किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने उस दिन की डिटेल देखो, और आज उन्होंने किसान मोर्चा किस स्टेज पर ले जाके खड़ा किया है, और आज उसी पार्टी ने उन्होंने उस मोर्चे की तरफ न ध्यान देते हुए और पार्टी को जैसे कि आप सबको पता ही है एक तरफी माहौल बना के, और जो कल शाम को कैंडिडेट आता है वो कल जेजेपी में, अगले दिन इनेलो में, फिर कांग्रेस में, फिर भाजपा में, फिर जेजेपी में उसको बुला के उसको टिकट दे दिया जाता है। ये बाड़ा चौक है मात्र, जैसे कि कोई उदाहरण है बोला भाई मेरा बाल कोडर से मतलब 5 दिन में आगा आ जाएगा, ये चौक से 10 दिन के भीतर भीतर आगा आ जाएगा, हम दिखा देंगे। क्या लगता है जी, जो पार्टी ने टिकट बेच दिया क्या किया है? जो पार्टी ने किया है वो तो पार्टी जाने और बिक्री है, ये तो आम जनता कह रही है। दूसरी बात ये है कि मैंडी के परिवार की बात आती है तो एक क्रांतिकारी हलका है, जहाँ से भी राजनीति यहाँ से उठती है तो चंडीगढ़ तक जाते हैं, और इनका परिवार चौधरी अतर सिंह से लेकर के सुखविंदर सिंह से 3 पीढ़ी तक लगातार बाड़े की, जो अभी हितों की बात आती है ना तो ये खड़े होते हैं आकर के। हम तो पतवास को जानते भी नहीं, कौन है, कहाँ से आ जाता है। अब पहले लड़ा तो है उन्होंने, यहाँ से चुनाव लड़ा है, कोई 5-7 हज़ार वोट आ गए, ऐसे तो छोटे छोटे से वोट आए, नहीं नहीं ऐसी बात, जीते तो हम थे, जीते तो हम थे। दूसरी बात यह है जब कोई हकों की बात आती है, किसानों की हकों की बात या कोई और हक की बात, तब तो ये लोग है नहीं, तब तो सुखविंदर मैंडी है आगे आने के लिए, कोई बात हो सुखविंदर मैंडी। हकों की लड़ाई जो बाडड़ा के क्रांतिकारी हलके को आगे बढ़ाने के लिए जो काम करेगा सुखविंदर मैंडी, हम उस ऐसे नेता के साथ हैं। आप ये बता दो कि इन लोगों ने सुखविंदर मैंडी का साथ है क्या लगा? सुखविंदर मैंडी का कौन ही लोकसभा इलेक्शन में मैं करकी देख लिया, राहुल कसवा की टिकट काटी, वसुंधरा कितने बैठाई, उसका नतीजा ने देख लिया, अके हुई अपने आपने न्यू मान हाईकमान के हम कर देवा, उसका नतीजा जो लोकसभा में लिया ने उसके साथ ये जोश जो है, कभी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के 4 किलो गुआर के 3 बार सबरे कर ली के मैं कौन हूँ, हमारे बाड़ी गुआर खत्म हो रहे हो, ईडी के मैं कौन कर रहे हैं, लेकिन हाँ बीजेपी सरकार बढ़िया काम करे, लेकिन इतना अहंकार है ना, मानते हो ना ऐसे काम हो रहे हैं, लेकिन इतना अहंकार है ना, हम किसे ठपोला जा, ये लोकसभा देख लियो गो, राहुल कसवाई टिकट कटी बना लियो गो, 12 सीट गई ने, वसुंधरा ने 1 बार की देख लियो, इस हरियाणा में देख लीगा, जेजेपी तो लिया की ले ठप्पा मार, जिस दिन 4 तारीख ने रिजल्ट आवा उसको कारण यो है टिकट वितरित में, अगर ले उड़त कैंडिडेट लिया 2006 में ज्वाइन करी थी सुखविंदर ने, तो कैडर की पार्टी बताते थे लोग कि कैडर की पार्टी है, व्यवस्थित पार्टी है, और केवल कमल का निशान है किसने, बाड़ा के अंदर कैडर बूथ BLO 2 से लेके पलक से लेके किसने बनाया, कोई आदमी तो ला दे, एक आदमी अगर बाड़ा, आप एक मिनट, बूथ अध्यक्ष कौन ही, मंडल अध्यक्ष कौन ही, आप उमेद बतवास दौरे 10 बूथ प्रमुख का नाम गिनवा दो, एक गांव में भी जान जाओ तो जो कैडर बना है तो नहीं जानते होंगे जी वो ना, कौन जाना के संगठन काम में कौन कर रखे, और 2019 में इसने नैना का वोट गिरवाया बीजेपी में रह के, फिर जेजे में और आज उसने टिकट दे दी, आज धर्मवीर न्यू का संगठन को एक आदमी बता दो, उम्मीद पाता हूँ उस संगठन को वो आदमी है, और सुखविंदर का कारण बीजेपी बाढ़ थी, बीजेपी कौन थी उरे, सुखविंदर चौधरी अतर सिंह परिवार के साथ सारा। सुखविंदर भाई क्या लग रहा है, बड़े टाइम से साथ रहे, बड़े दिनों तक भाजपा की जय बोली, अब तो आप लोगों की जय बोल गई। हाँ सही बात है, हमारे साथ अन्याय किया, इस अन्याय को हम सह नहीं गए, हम बिल्कुल सुखविंदर के साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं, इन्होंने पूरा वो किया है, टिकट में बेची है, इसके लिए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बेच दिए टिकट, और मतलब उम्मीद पातुवास इतना दबंग व्यक्ति निकला कि उसने टिकट को खरीद लिया, और दबंग के वहां दिए, जिस दबंग का साथ हो ने वो 27,000 तक टिकट हो, जिस दबंग का साथ हो वो जो उसको चल लो आ रहे हो है उसने 27,000 तक टिकट ले लिया, और ले दिया और जितना मन हो जाए नहीं हो रहे 54,000 आदि भाई बाढ़ थे इब गन ने टेक्यो थो और वो इब टिकट जीवाई जाए से और ये भी दिखा देंगे जी, समझो दिखा देंगे जी, और काफी लोग हैं उधर, जरा उधर उधर वालों से भी बात करते हैं, बुजुर्ग और हमारे काफी सारे यहाँ पे बैठे हैं, जरा इनसे ही बात करते हैं। ताऊ जी राम राम, राम राम, बात कर ले भाई, बात कर ले, आपने नहीं बेरा क्यों हो गया, कौन ही बेरा ले हो जी, ताऊ के हाल हो गया, हाल क्या हो गया, बीजेपी ने 700 टिकट काट दी, अच्छा काबिल आदमी दे ही नहीं, क्या करोगे, ये सारे खंडवाधारी तो आपका गया लड़े आजू बाजू बैठे, क्या करने वाले हैं, ये करांगा इब तो विरोध प्रदर्शन करांगा, चुनाव लड़ांगा, अच्छा निर्दलीय
और दूसरी पार्टी में दूसरी पार्टी वालों को भाई कार्यकर्ता बात करके न भाई वो तो विधायक विधायक वीर भाई लोगों का अच्छा जब उन वाले वोटर खफा हो गए तो भाई वो तो के बेरा गए तो के बनाएगी मेरा है जब आप लोग खफा हो गए तो वह भी हो जाएंगे बताओ न वो तो आगे वक्त बताओगे तो हम तो क्या बताओ हम आगे बात तो आगे मतलब अपनी बात तो ठीक से दूसरा की बात गलत हो जाएगी जी के कहोगे जी के हाल चाल होना है होना के प्रदर्शन करें पहले तो और बाद में फिर विधायक आएगा वो कोई आदेश विधायक से पहले क्यों नहीं बात करी आपने सुखविंदर से पहले बात कर लेनी चाहिए थी कि भाई करा कि नहीं करा हमारा वहाँ भाजपा में या नहीं इस बीजेपी से मल से पंडा छुटाया सर आपने तो कहा और मिल दी आके गटका करके मैं बढ़िया लेट नहीं हो गया कि लेट हो गया छोड़ देनी चाहिए किसान आंदोलन में छोड़ देनी थी अच्छा हाँ तो जब समझाया नहीं समझाया था पर लग गया टाइम अच्छा हाँ माननी को नहीं बैठा नहीं तो माननी को नहीं जब ना गए मना जा वाह जी वाह मतलब देख लो जी अब टिकट नहीं मिली है तो उसके बाद यहाँ से छोड़ दिया गया है यहाँ पर और भाई साहब भी हैं भाई साहब क्या कहोगे टिकट ना मिली तो बस साल पड़ा अपने दूसरी राय पकड़ लिया दूसरी राय को मारो धनी रहे हो सहज आ रहा था करांगा लड़ांगा सरकार उसका भी तो धनी था कोई ना कोई और आगे आधा न्यू छूटता बदलता रहा ये बदला हम भी बदलांगा अच्छा उसका गैल ना फिर बीजेपी की सीट जीत की दे जाए उरद बाढ़ देते इस से ना देगी तो फिर तो एक के बाद से इधर भाई साहब को कांग्रेस में जा रहे उसका है तो लेंगे हम तो ये वो गाड़ा है तो वोट अपनी टिकट मांगे हैं मांगे है कांग्रेस ने 25,000 निर्दलीय का वोट आया था अभी को प्रदेश अध्यक्ष युवा को प्रदेश अध्यक्ष रेडो है वक्ता बढ़िया है उसका सत्र 400 हम दो कांग्रेस ज्वाइन करोगे कांग्रेस ज्वाइन करेगा ये मान ले कभी तो लेटरिंग पर टैक्स लगा दे है कभी मान ले बात सुन जाओ तो उस पर टैक्स लगा दे है वाह ठीक सारी बात ठीक से लेकिन सीधी सी बात से आठ ता मंडल अध्यक्ष ने टिकट दे दे ने या किसी बूथ प्रमुख ने टिकट दे दे सारा साथ था कोई भी आदमी पहले दिन ज्वाइन आई तो इब्नो का हकमत कांग्रेस में जानने तैयार हूं भाई साहब ने कांग्रेस कौन है बीजेपी खातर मतलब कुर्ता का साथ या मर लिया उगाना हो लिया और आ जान या कार्य दिन तो कर दी टाटा बाय बाय बीजेपी टाटा बाय बाय करनी पड़ेगी जब इसे हालत पहली लोकसभा में करी है भारत ले 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 भाई तू चले जा जो 90 में चले आदमी था उनकी हत्या कर दी और आज एकदम खड़ा एंट्री मारी है बोले आजा अनूप दाने का आजा बबली आजा बतुआ साजा फलाना धकड़ा अन आन का आज भी वीडियो देख ले सू जब नेता ना हो तो क्या करें वे भी नेता को नहीं चौधरी अतर सिंह 1952 में जनसंघ जब बीजेपी 1980 बनी थी उस टाइम जनसंघ थे आडम मंत्री बने उड़ा पेप सुतीन स्टेटा यो नेता को नहीं ये नेता आगे और मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपके जो हाई कमान थी उनको लग रहा था कि नेता नहीं है हमारे पास हाई कमान के बावड़ और ही है अच्छा। आगे तामोलिया या जो लोकसभा में सीट कमाई है ना उनका कर्मा था ही है अच्छा। बदल बदल की जो सीट दी है या एंटी कंपनसी आडन का था धर्मवीर ने बदल दो तो 27,000 जीतता है कोई और जनता है तो वन थे 85 सीट आऊंगी बीजेपी अरे हरियाणा में भाई ई वाला तो और दिन तक गए था ना लिस्ट जारी करी है ये बेरो पार्ट जाओ चार में कितनी आऊंगी मारे हिसाब से 15 और 20 के बीच में रहेगी अच्छा ई वाला यह है जो टिकट बाटी है हरियाणा में खिलाफ पूरा हरियाणा में है क्योंकि सारा है तो भारत एकदम जो 20 साल तो जो काम करवाए हैं जो इतने 10 साल में वो काम करवाए हैं जिनने काम करवाए सुखविंदर ने मारा कॉलेज बनवाया सब काम करवाए उन लोगों का तू भर जा और जो सारा दिन सू खाक मैं चौटालत पर कौन जा भाई अजय के साथ वो अठा भीतर है तो काम क्या करेगा और कितना तो बढ़ा जाएगा वो काम को नहीं आओ जी वो जो काम करा तो वास तो ही के नाम साहब चुनाव का टाइम बीजेपी में आओ है ना तो ले सारी अना जज पामर आई नो लो में रह बता विरोध किसका है पातुवास का भाजपा पातुवास को सब तरह उसने रावण खातर चाहे किलो बेचना पड़ो बेच जाएंगे की बात की 1 किलो नाम साहब से 1 किलो अटका जा देखिए कदे जीत गया अरे बाप जीतने दिया करा के अच्छा ये तो वोटा है टाइम आम आ गयो ना तो 10 साल यो 2000 तो मांग लाग रहे हो चोटाड़ो और की टिकट बता एक तो पहली अन्न है कोई दी बता बीजेपी टिकट दी हां ताई हां छोटा और ने कोई दी यहां पर देख लीजिए एक भाई पीछे से बोल रहे हैं जरा उधर उधर देखते हैं भाई से बात करें जी 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 कोई बात नहीं जी भाई केला का है हां जी भाई केला का है नहीं मेरा भाई कुछ लोग तो वैसे ही आगे लगे हैं तो केला का है तो नहीं लगा है भाई पर टिकाऊं जिया करता भैंस
फिर जन जी ने महेश फिर जन जी ने तो भाई महेश ने कट लो दे दिया करता तो यू सोचो तो टिकट कोई दी नहीं फटू फंड करता चलो मैं जितनी जानूंगा मैं कोई नहीं जानू तो बढ़िया टिकाऊ थियाड़ा जीते हैं रे हाँ जीत रहे सो सुखविंदर मान जो दिखती चीज थी कोई कौन सी पार्टी दिखड़ा करोगे इन्हें ये तो देखो ये जनता दी सरकार वो एक बाईपास छान का था कांग्रेस में जावांगे ना ना वो तो भाई जनता दी सरकार थी ये बोझ बताए करेंगा ना और वो करेंगा वो सरकार से हाँ वो सब कराऊंगा कौन से अगर कहो मनो मन समय तो आपको और बहुत बढ़िया काम होगा कोई नहीं मिलता तो यहाँ पर सुन सकते हो कि क्रांतिकारी है और जनता अब हिसाब करेगी बलराम जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी भाई साहब देखो कहना तो ये है भाई साहब आज तो कार्यकर्ता रूप में जो छोटे रूप में इकट्ठे हुए हैं इसके दो या तीन दिन बाद एक बार सभी साथी बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए तो एक बहुत बड़ा फैसला लेंगे अभी कोई वो नहीं है कांग्रेस तो सुखविंदर जी भी होंगे उसमें खुद सुखविंदर की मौजूदगी में बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा ठीक है जो देखते हुए जो सभी कार्यकर्ता साथियों के हक में जो फैसला वो बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा जी जी मतलब अभी डिसाइड नहीं किया है कि किधर जाना है नहीं अभी ये डिसाइड किया सिर्फ बीजेपी को छोड़ दिया है सभी कार्यकर्ताओं ने आज सुखविंदर के साथ एक बार दिखा दो भाई कितने सारे कार्यकर्ता सभी को दिखा दो यहाँ पे आज सभी कार्यकर्ता जो आए हैं सभी बीजेपी को छोड़ने आए बीजेपी को छोड़ रहे हैं आज आज का हमारा मेन मुद्दा ये है बीजेपी ने हमारे साथ गलत किया है तो हम बीजेपी को छोड़ रहे हैं और बीजेपी की सदस्यता वगैरह जो पदाधिकारी उन्होंने अपने पद वगैरह सभी ने बीजेपी को अलविदा कह दिया आज भाई साहब एक चलते चलते एक सवाल और पूछूंगा आपसे क्योंकि देखो आप किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी थे जो भाजपा जो बड़े दावे कर रही थी कि हमने इतना काम करा दिया करोड़ों रुपए लगा दिए हैं अरबों रुपए लगा दिए हैं हरियाणा को बड़ा चकाचौंध वाला बना दिया है उन बातों में कितनी सच्चाई है बिल्कुल सही बात क्योंकि अब तो खुल करके बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब पार्टी के कैडर का दबाव नहीं कुछ और नहीं बिल्कुल भाई साहब बीजेपी ने काम करवाए हैं और बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार भी बनाती है अगर ये टिकटें हिसाब से बांटते 30 से ज्यादा टिकटें ऐसी हैं जहाँ की बंदर बांट की गई और पैसे में की गई है किसी दबाव में की गई है तब तो मुझे ये लग रहा है 15-20 बीजेपी सीट किधर गलती मान रहे हो ये वाली भी कहाँ गलती मान रहे हो पूरा दादरी जिला है दो विधानसभा दोनों में नए कैंडिडेट टेक दिए उधर वो रो रहे हैं चार जगह जेजेपी से बुला के नए फटका पहरा दिया बीजेपी को उनको दे दिया वहाँ चल रही है और सब ने छोटी भाई 30 से ज्यादा लोग तो सुनो भाई सुनो एक मिनट नौ जिला अध्यक्ष खुद पार्टी नौ जिला अध्यक्ष पार्टी छोड़ के जा चुके हैं आज सुबह सुबह टीवी खबर है और करीब 52-53 के आसपास जो मंडल अध्यक्ष है वो जा चुके हैं 800 कार्यकर्ता पदाधिकारी सुबह 7 बजे तक तो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं और शाम अभी बाकी है मतलब रीढ़ की हड्डी जो है वो अब कमजोर होती जा रही है बिल्कुल रीढ़ की हड्डी बिल्कुल खत्म हो चुकी है हाँ बिल्कुल मान तो ये रहे थे जेजेपी और इन्हें लोग खत्म होगी लेकिन साथ का जेजेपी भी बिल्कुल खत्म हो गई बीजेपी खत्म हो रही है बीजेपी हाँ जी बिल्कुल खत्म हो गई बीजेपी खत्म हो रही है ये कहना है यहाँ पर तो तमाम जो यहाँ पर सुखविंदर मांडे के समर्थक हैं उनके द्वारा किसान मोर्चा के सदस्य हैं उनके द्वारा और तमाम लोग जो हैं आज यहाँ पर एकत्रित हैं एक बार फिर से दिखा दीजिए कि तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और दूसरी तरफ आप लोग इधर भी देख लीजिएगा यहाँ पर एक जो पूरा का पूरा पुतला बना दिया गया है और आज इस भाजपा के पुतले को भी आज फूंकने का काम जो है यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो करेंगे और बिल्कुल तैयारी कर दी है अब यहाँ से अब ये लोग चलने वाले हैं जो यहाँ का क्रांतिकारी चौक है वहाँ तक ये लोग अपना प्रदर्शन करते हुए पहुँचेंगे और उसके बाद जो अपना रोष है वो कहीं ना कहीं दर्शाएंगे और देखना होगा कि जब सुखविंदर मांडे वापस आएंगे यहाँ इनके बीच में पहुँचेंगे हालांकि अगर इधर देखें तो बीजेपी के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं सुखविंदर मांडे आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं सुखविंदर मांडे आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं हमारा नेता कैसा हो सुन रहे हैं आप बिल्कुल और ये जो नारे हैं अब सड़कों पर भी लगने वाले हैं तो देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ होगा आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये सड़कों से होते हुए क्रांतिकारी चौक पहुंचेंगे और क्रांतिकारी चौक पर किस प्रकार से भाजपा का पुतला फूकेंगे किस प्रकार से अपना जो रोष है वो व्यक्त करेंगे बस आप बने रहिएगा चैनल के साथ देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज को अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं आने वाले समय में कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर से हाजिर होंगे तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत मैं सुमेश ढाका VTS लाइव न्यूज के लिए